पंजाब के प्रसिद्ध त्योहार लोहड़ी मेले का रंगारंग आगाज आज लाल कुआं नेशनल हाईवे के निरीक्षण भवन में हुआ, जहां पंजाबी महासभा के अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह तथा क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद दुमका ने लोहड़ी प्रज्वलित कर मेले का आगाज किया। आपको बता दें कि सारे विश्व में पंजाबी मूल के लोगों द्वारा लोहड़ी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर सरदार गुरदीप सिंह ने कहा कि लोहड़ी का त्योहार अपने आप में एक हर्षोल्लास और खुशियों का त्योहार है। लाल कुआं से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। लोहड़ी जो है ये गरीबी और अमीरी की दूरी को जो खाई है उसको पाटने का त्योहार है, आपसी भाईचारे का त्योहार है, कौमी एकता का त्योहार है और मिल बांट कर हम लोग लोहड़ी जलाते हैं और खुशियों के लिए मानते हैं। जो मन्नत यहाँ पे मानता है उसकी पूरी होती है। और लोहड़ी का प्रतीक जो है उत्तराखंड का जो द्वार लाल कुआं में मनाई जा रही है, उत्तरांचल पंजाबी सभा लाल कुआं में ये जो मनाई जा रही है, आपसी कौमी एकता गुलदस्ता है यहाँ पे, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसका हम लोग जो है इसी से विचारधारा को जोड़ते हुए लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं और गरीबी और अमीर की खाई को पाटते हुए सब एक हैं, छोटे बड़े सब एक हैं, इसका प्रतीक यही है। सब मिलके प्रसाद बांटते हैं और लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। यहाँ पे सब सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं, हिंदू भी आए हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई लोग भी आए हैं। सभी का प्रतीक जो लोहड़ी मेला है, ये उत्तरांचल का द्वार लाल कुआं जो है ये कौमी एकता का गुलदस्ता है, इसी को हम लोग कायम करते हुए होली का त्यौहार जो लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं और उत्तराणी लोहड़ी सब एक है और हम शुभकामनाएं सबको देते हैं, सबकी मनोकामना पूरी कर होते हुए लोहड़ी का त्यौहार। आपका धन्यवाद। लोहड़ी त्यौहार की सारे समाज को, सिख समाज को, सभी लालकुआवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। उमंग का त्यौहार है, मन में उमंग लेकर के आता है और आगे का नया रास्ता, नई सोच, नए कार्यक्रम हमको देता है। ये लाल कुआं और लाल कुआं के आसपास के क्षेत्र का सौभाग्य है कि अभी लोहड़ी मना रहे हैं, कल उत्तरायणी मनाई, परसों कौतिक मनाया, कभी छठ पूजा, कभी काशीनाथ पूजा, दुर्गा पूजा, काली माई पूजा और ईद भी हम सब लोग यहाँ लाल कुआं में मिलकर मनाते हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत कम जगहों को मिलता है कि इतने सारे त्यौहार सब लोग मिलकर के सबको शुभकामना देते हैं, नई उमंग का संचार करते हैं। इस अवसर पर मैं पुनः आज लोहड़ी के कार्यक्रम में है, इस लोहड़ी त्यौहार की पर्व त्यौहार की शुभकामना देते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उत्तरांचल जो हमारी पंजाबी महासभा है उसके सभी पदाधिकारियों का, सभी सभासदों का और सभी आयोजन मंडल में लगे हुए यहाँ के सभी महानुभावों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ।